इतनी भोली लगी वो और सुंदर भी, पर निकली पक्की दुष्ट। मुझे भी अफसोस है कि मैं हेरा की असलियत समझ नहीं पाया और पहलवानपुर के राजा का गुप्त संदेश भी मुझे देर से मिला, वरना मैं भीम को कभी उस टापू पर नहीं भेजता जहाँ उन्होंने अपने वीर का भय। मतलब पहलवानपुर का योद्धा भी? कीचक और ज्ञानपुर के रंजी को भी हेरा की वजह से उस टापू पर जाना पड़ा, वो फिर नहीं लौटे। मतलब भीम और मेरे बाकी दोस्त, मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो जाए। खैर, क्योंकि सब आ गए हैं, हमें शायद निकलना चाहिए महाराज। मुझे कल ये बात सूझी कि जिस तरह इस भोले ने मुझे यहाँ ढोलकपुर पहुँचाया, बिल्कुल उसी तरह ये शायद तुम सबको उस जादुई टापू पर भी पहुँचा पाए जहाँ ये बाजी गोका ने रखी है। इससे तो हमारा काफी समय बच जाएगा। तुम सब मेरे सामने गोलाकार में खड़े हो जाओ। पूरी करके रहेगी ये टोली छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी। वाह हेरा, तुम्हारा जादुई गोला तो काम कर गया। हाँ, बिल्कुल जैसा मुझे पता था। जगह बहुत सुंदर लगी। सुंदर तो है, पर इसी टापू पर कहीं उस बाजी की शुरुआत होती है। एक नन्ना घोड़ा। वाह, कितना सुंदर घोड़ा है। ओहो, लगता है तुम घायल हो। घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लो, अब तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अपनी चुटकी, वैसे भी बड़ी नरम दिल है। ऐसा कुछ नहीं, एक नया दोस्त बनाया। काश तुम्हारा दोस्त हमें बता सकता कि गोका की बाजी कैसे ढूंढ निकाले। इतनी भोली लगी वो और सुंदर भी, पर निकली पक्की दुष्ट। मुझे भी अफसोस है कि मैं हेरा की असलियत समझ नहीं पाया और पहलवानपुर के राजा का गुप्त संदेश भी मुझे देर से मिला, वरना मैं भीम को कभी उस टापू पर नहीं भेजता। तो क्या यही पर सुनहरा हिरन अक्सर दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है ऐसा कहना मुश्किल होगा। वो क्यों? क्योंकि ये हिरन अदृश्य है। हाँ, बिना देखे कोई हिरन को कैसे पकड़ेगा? वही तो। कोई भी तरकीब काम नहीं करेगी। बिना देखे उस पर ना तो झपट सकते हैं, ना ही फांस सकते हैं। लो, सेब खाओ। अरे, सेब तो यही थे, कहाँ गए? वो हिरन उसी ने लिए होंगे। मुझे इस तरफ कुछ भागने की आवाज सुनाई थी। हम हिरन को देख नहीं सकते, पर सुन तो सकते हैं। और सुनकर ही हम उसे पकड़ेंगे। नन्हे योद्धा, मुझे जादुई बंधन से मुक्त कराने का शुक्रिया। मैं हेरा का साथी था, पर उसने मुझे भी अपनी चालाकी से शिकार बनाकर इस टापू पर कैदी बना दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। भीम,
तुमने मेरे सबसे प्रिय क्राकन को मारकर अच्छा नहीं किया। इस बात का बदला मैं खुद आकर दूंगी। सालों से जो मेरा वफादार रहा उसको दो दिनों में तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। हाँ, दोस्ती है ही ऐसी चीज। रुकस, दोस्ती, प्यार, सच्चाई, सब बकवास। इस दुनिया में कुछ महत्व का है तो सिर्फ ताकत, जादू की ताकत, दौलत की ताकत, हुकूमत की ताकत। भले ही वो छल और धोखे से बड़ी हो। हाँ, और आगे भी बढ़ेगी क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकते भीम। मुझसे जिसने भी बैर मोल लिया वो इस गोका राजा की तरह दफना दिया गया जिंदा। नाम मत लो उसका। क्यों, डरती हो कि वापस आ जाएगा? ये क्या? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन से ना हट जाए तो मुमकिन बन जाता है। आज कोई मुकाबला जीतने का संकेत है क्या? यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। बच्चे लड्डू अपने दोस्तों में बांटने को ले जा। ये! इतने सारे लड्डू, आज तो ज्यादा खाऊंगा। चलो झील के पास पिकनिक पर चलते हैं। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। पर हम यहाँ नहीं खेल सकते जगू, ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे। और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना, ये लो अपनी बॉल। पर उस्ताद, मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये कितना अजीब पहाड़ है, इसकी चोटी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। इस पहाड़ तक तो हम पहले कभी नहीं आए।
इस पहाड़ की चोटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ एक मैदान है और मुझे तो ऊपर कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमें खेलने की जगह के साथ साथ दोस्त भी मिल जाएंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। इतनी ऊपर? क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया, मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। अरे यहाँ क्या हो रहा है? भीम, अब तुम मुझे पंजे में नहीं हरा सकते। चलो हो जाए मुकाबला, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। ये कैसे हो गया? Ha ha ha!
शमशेर सिंह के साथ जन्मदिन मनाने का कोई शौक नहीं है। सब तैयार हो जाओ, दोपहर होते ही हम हमला करेंगे और राजा इंद्र वर्मा के उन अमीर मेहमानों को लूट लेंगे। समझ गए ना सब? हाँ, समझ गए सरदार। अब जाओ, अपने अपने घोड़ों पर बैठो, तुम्हें बताई हुई जगह पर चले जाओ। ध्यान रखना कि जब मैं सीटी बजाकर इशारा करूं तब तुम हमला करना, ठीक है? ठीक है, हम आपके इशारे का इंतजार करेंगे सरदार। जाओ, रवाना हो जाओ, जाओ। अरे ये तरकीब ढोलकपुर के मेले से ठीक पहले करनी चाहिए। लेकिन भीम का क्या करें? भीम पर नजर रखो, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम राजकुमारी इंदुमती को नहीं ले जा सकेंगे। सही कहा सरदार। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। मसल के रख दूंगा। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। ये। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? बहुत भूख लग रही है उस्ताद। उस्ताद, वो देखिए। इस बंदर को तो मजा चखाता हूँ। भीम और दोस्तों को ये जरूर पसंद आएंगे। पहाड़, कालिया, मेरे केले। बंदर के दोस्त, वो भी इंसान। मैं बंदर? अरे जग्गू, ये क्या? भीम, ये है मेरा दोस्त पुट्टू। क्या तुम गुम हो गए हो पुट्टू? ढोल
ढोलकपुर का शाही हाथी बनना चाहता है। पर ये कैसे हो सकता है? ढोलकपुर में एक शाही हाथी पहले से है। अरे उदास मत हो, तुम में बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे तुम चीजें सुनकर सही रास्ता दिखा सकते हो। शायद किसी दिन हमारे झुंड के राजा भी बन सकते हो। पर मुझे तो सिर्फ शाही हाथी बनना है और कुछ नहीं। ओहो, मैं तो हार मानती हूँ। ये आसान नहीं है पुटकू। चलो ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ राजमहल चलो। भीम उस हाथी के साथ है और ये बिल्कुल सही समय है। भीम, लगता है किसी ने इंदुमती को अगवा कर लिया है। हमें ये महल के बाहर मिला है। आप घबराइए नहीं महाराज, हम इंदुमती को सुरक्षित वापस ले आएंगे। चलो दोस्तों। हम ऐसे इंदुमती तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हमारा पुटकू सूंघ कर सही रास्ता दिखा सकता है। क्या तुम इसे सूंघ कर इंदुमती को ढूंढ सकते हो? हाँ। चलो हम इसके पीछे चलते हैं। चलो। कालिया, ऐसे नहीं, हमें एक तरकीब चाहिए। तो, बचाओ। शुक्रिया दोस्तों, तुम पुटकू से मिली? हाँ? इसने हमारी बहुत मदद की, इसके बिना हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाते। सच में? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया पुटकू। आज के मेले में क्या तुम मेरे शाही हाथी बनोगे? अगर तुम चाहो तो। खूब मस्ती कर रहे हो। ओ अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है चलो। बचाओ बचाओ, मेरा बटुआ। मेरा बटुआ। इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा, कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है।
नहीं ढोलू बोलू। ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ओह, मैं चलने से पहले इस गन को टेस्ट करना भूल ही गया। पता नहीं चल रही है या नहीं। इसकी तेज स्पीड को स्लो स्पीड बनाना पड़ेगा। मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। सारा शरीर अकड़ गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। मेरा पेट तो इतना भरा हुआ है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यही सो रहा हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रात हो गई है, आज तुम सब यही सो जाओ। शुक्रिया मौसी। छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। नौ, दस। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा, अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ।
जग्गू तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।